हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आयुर्वेदिक एंड घरेलू नुस्खे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल में लाइफ से जुड़ी समस्याओं के समाधान आपके लिए लाए जाते हैं ताकि आपका जीवन खुशहाल हो सके। आज हम आपको बताएंगे दांतों में होने वाली कुछ समस्याओं के बारे में, जैसे दांतों में दर्द होना या दांतों का कमजोर पड़ जाना। दांतों का दर्द यानी कि टीथ पेन किसी को भी छोटे बड़े किसी भी उम्र में हो जाता है, जिसकी वजह होती है दांतों की नियमित सफाई ना करना, भोजन के बाद कुल्ला और ब्रश ना करना, ठंडे पदार्थ के बाद गर्म या फिर गर्म पदार्थ के तुरंत बाद ठंडे पदार्थ आदि के सेवन करने से दांतों में दर्द की शिकायत होने लगती है। तो आइए हम आपको बताते हैं दांतों के दर्द से छुटकारा और दांतों को मजबूत करने के कुछ घरेलू उपाय। अदरक के टुकड़े को दांतों के बीच दबा कर रखने से दांतों का दर्द दूर होता है। सर्दी के कारण दांतों में दर्द होने पर अदरक पर नमक डालकर दांतों के बीच दबाए रखने से काफी लाभ मिलता है। मसूड़े और दांतों में दर्द होने पर प्याज के टुकड़े को दर्द वाले स्थान पर रखने से दर्द में काफी राहत मिलती है। नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उनसे कुल्ला करते रहने से दांतों के दर्द में निजात मिलती है। नीम के दातुन करने से दांत मजबूत भी होते हैं और दर्द में भी काफी लाभ मिलता है। तुलसी के पानी में काली मिर्च पीसकर गोलियां तैयार कर लें, उसमें से एक गोली दुखते दांत के नीचे दबाकर रखने से दांत दर्द शांत हो जाता है। अमरूद के पत्तों को चबाते रहने से दांतों की पीड़ा दूर हो जाती है। अमरूद के पत्तों को उबालकर कुल्ला करते रहने से दांतों का दर्द, मसूड़ों का दर्द और सूजन में लाभ मिलता है। 4-5 लौंग को नींबू के रस में भिगोकर पीसकर दांतों पर 2-3 बार मलते रहने से दर्द गायब हो जाता है। 4-5 लौंग को एक गिलास पानी में उबालकर उससे नित्य कुल्ला करते रहने से दांतों का दर्द शांत हो जाता है। दांतों में कीड़ा लगने पर और दांतों में दर्द होने पर लौंग को रखने से या लौंग का तेल लगाने से कीड़ा भी मर जाता है और दांतों का दर्द भी दूर होता है। दोस्तों, एक बात का ख्याल रखें, भोजन करने के बाद ब्रश जरूर करें। तो आज हमने आपको बताए हैं दांतों की समस्या को दूर करने के आसान और घरेलू उपाय। ऐसी ही जानकारियां हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। धन्यवाद।